हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम के टॉप चार ऐसे बल्लेबाज कौन से होने वाले हैं जो आईपीएल 2023 में अगर बल्लेबाजी अच्छा करेंगे तो ही आरसीबी टीम वहां पर चैंपियन बन सकती है, अपने मुकाबले जीत करके वो आगे तक बढ़ सकते हैं इस टूर्नामेंट में। तो दोस्तों, कौन से हैं वो बल्लेबाज, सारा डिस्कशन हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। हर एक जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर जो है ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिए, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट आपको आरसीबी टीम से जुड़ी लगातार मिलती रहे। वहीं दोस्तों, ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि वहां भी आपको क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज और आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार मिलती रहती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाओ वहां पर उसे भी ज्वाइन कर लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2023 के लिए शेड्यूल तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों अपडेट ये आ रही है कि 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने वाली है। वहीं 28 मई या फिर 4 जून को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। हम सभी को पता है कि इस बार का आईपीएल जो है थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलने वाला है, शायद से मैचेस में बढ़ोतरी भी की जाने वाली है। शेड्यूल आने के पहले यहाँ पर मिनी ऑक्शन होना है। 23 दिसंबर को कोची में मिनी ऑक्शन का आयोजन होने वाला है, जहाँ से सभी टीमें अपने अपने स्क्वाड को और मजबूत करने के लिए कुछ और प्लेयर्स को खरीदने वाली हैं। ये छोटा ऑक्शन होगा, इतना बड़ा ऑक्शन नहीं होने वाला है मेगा ऑक्शन की तरह, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ बड़े खिलाड़ी जो है इस बार ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं, जैसे बेन स्टोक्स, सैम करन, केन विलियमसन, मयंक अग्रवाल जैसे प्लेयर्स ऑक्शन का हिस्सा होंगे, जिनके पीछे भारी भरकम पैसे लगाए जा सकते हैं फ्रेंचाइजियों द्वारा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आरसीबी टीम की, इनके टॉप चार बल्लेबाज कौन से होंगे जो कि आईपीएल 2023 में अच्छा करेंगे तो ही टीम जीत पाएगी। तो भाइयों, यहाँ पर टॉप चार बल्लेबाज होने वाले हैं टॉप ऑर्डर के ही बल्लेबाज। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी जो कि ओपनिंग करते हैं आरसीबी के लिए। इसके बाद दोस्तों बाकी के दो बल्लेबाज होने वाले हैं नंबर 3 के रजत पाटीदार और नंबर 4 के ग्लेन मैक्सवेल। हमने देखा कि आरसीबी टीम का टॉप ऑर्डर अगर अच्छी बल्लेबाजी करता है तो टीम अच्छा करती है, बाकी मिडल ऑर्डर में वहाँ पर दिनेश कार्तिक, शाहबाज अहमद ज़रूर अच्छी बल्लेबाजी किए हैं 2022 में, लेकिन दोस्तों उनसे भी ज़्यादा उम्मीदें रखना यहाँ पर कहीं ना कहीं आरसीबी टीम के लिए थोड़ा सा झटका लग सकता है। अगर मैचेस में अच्छा करना है, उसे जीतना है, तो इन चारों का फॉर्म में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी अगर अच्छी शुरुआत दिलाएंगे तो ही वहाँ पर मैक्सवेल और पाटीदार अच्छे से एंकर करके मैचेस को फिनिश कर सकते हैं, गेम को फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद यदि दिनेश कार्तिक, शाहबाज अहमद मिडल ऑर्डर में इनकी बल्लेबाजी आती है तो ये भी अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो भाइयों, मेरे हिसाब से चार बल्लेबाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैक्सवेल, कोहली, फैफ डुप्लेसी और पाटीदार, क्योंकि इन चारों ने ही पिछली बार अच्छा भी किया था। हालांकि दिनेश कार्तिक पिछली बार जबरदस्त फॉर्म में रहे थे, इस बार इंडियन टीम में आने के बाद थोड़ा सा फॉर्म उनका अप डाउन रहा है, लेकिन दोस्तों आरसीबी टीम के फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि आईपीएल 2023 में कार्तिक का वही 2022 वाला फॉर्म बना रहेगा, और जब भी टीम की डिमांड रहेगी मैचेस को फिनिश करने की, कार्तिक जो है इसका रोल बखूबी अदा करेंगे। शाहबाज अहमद से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आरसीबी टीम के टॉप चार बल्लेबाजों को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।